वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। उन्नीस अप्रैल को शुरू हुए लोकसभा चुनाव 1 जून के सातवें चरण को खत्म हो गए। 4 जून को नतीजे आए और 9 जून को शपथ ग्रहण के साथ देश में फिर से एक बार मोदी सरकार बन गई। लेकिन इन सब के बीच एक चीज अभी भी जारी है और वो चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुई बयानबाजी, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी पर आगे अटक गई है। दरअसल पहले गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी और उसके बाद रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया। पहले सोमवार को अफजाल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल दिया, नहीं तो पीएम मोदी चुनाव हार गए होते। पीएम मोदी का जादू खत्म हो चुका है। पीएम मोदी जहां से चुनाव लड़े उसके आसपास की चंदौली, गाजीपुर और मछली शहर भी सभी हार गए। अंतिम चरण में सीएम योगी ने वाराणसी में मजबूती से कोशिश की तो उनके प्रयास से ही पीएम मोदी की हार बची और यूपी में 33 में से 30 सीटें उनके प्रयास से आई हैं। बाकी 3 सीटें मोदी और बीजेपी की वजह से आई हैं। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लग रहे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी। वहीं मंगलवार को रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से आयोजित आभार सभा में राहुल गांधी ने भी वाराणसी सीट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। खुले मंच से राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ी होती तो वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ 2 से 3 लाख वोटों से जीत जाती। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई थी, जबकि एक पर तृणमूल कांग्रेस और बाकी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ी थी। गठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ते हुए कुल 43 सीटें जीती हैं, जिसमें सपा के 37 जबकि कांग्रेस के 6 प्रत्याशी सांसद बने हैं। अपनी इस जीत से उत्साहित इंडिया गठबंधन यानी कि सपा कांग्रेस के नेता लगातार सत्तारूढ़ी बीजेपी पर हमलावर हैं। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।